तो ये बताओ, तुमने ओला भी चलाया और ये प्राइवेट भी चलाया, अब मतलब संतुष्टि किस में, ये बताओ, अपनी गाड़ी रख के ओला उबर में चलाने से या बंगले पे कहीं काम करने से? 1,54,000 का मेरा कमाया था, 90,000 रुपये मेरा एक्सपेंस हुआ था। हाँ, खर्चे वगैरह सर, एमआई वगैरह सब कुछ निकाल के। ये जदुरी की टोटल निंग थी 51। राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। अब इस समय हमारे कानपुर एयरपोर्ट पे, जिसको चकेरी एयरपोर्ट बोलते हैं, तो कुछ इस तरह का है भाई हमारा चकेरी का एयरपोर्ट। और कस्टमर को हमने छोड़ दिया है 525 रुपये जो है, ऑपरेटर मिले हैं और 725 रुपये का टोटल बिल बना हुआ था। तो 725 बने हुए थे तो 525 रुपये हमको मिले, 200 रुपये कंपनी ने अपना कमीशन काट लिया है भाई। तो हमें 725 से तो मतलब है नहीं, हमें 500 से मतलब है, जो कि हमारा ऑपरेटर है, जिससे जो हमारे जिम्मे जाना है। हालांकि ईंधन वगैरह हमारा ही रहता है, ईंधन वगैरह निकाल देंगे तो 100-150 रुपये ईंधन लगेगा। 300-350 रुपये का अपनी बचत हो गई है छोटी सी राइड में। अब यहाँ जो है 2 बजे के बाद फ्लाइट है भाई आएगी, दिल्ली वाली, दो ही फ्लाइट है, दिल्ली और मुंबई। बेंगलुरु की फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। और कुछ इस तरह का अपना कानपुर वाला एयरपोर्ट दिखता है भाई। हालांकि कई सारे वीडियो हम बना चुके हैं इस पे जो है। तो अभी क्या है, सवारी हमारी गाड़ी में है नहीं, तो पिकअप चार्ज कोई पड़ेगा नहीं, पिकअप चार्ज पड़ता है हम लोग गाड़ियों का, टैक्सी गाड़ी का। और प्राइवेट गाड़ी है तो भाई ये लोग ले लेते हैं, जैसे पीछे वाली गाड़ी को रोक लिया है उससे जो है पैसे लेंगे भाई। बहुत सारी टैक्सियाँ खड़ी हैं हमारे इधर, ये देखो। तो हम भी कहीं साइड में चल के लगाते हैं और करेंगे वेट बुकिंग के आने का। और जैसे ही कोई बुकिंग आएगी भाई तो यहाँ से लेके निकलेंगे। हालांकि हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही, बूम 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 आ रहा है भाई, तो हो सकता है कहीं आसपास हो गई। तो आगे से यू टर्न मार के फिर आते हैं भाई। फ्लाइट तो लग रहा है आ चुकी है, जल्दी आ गई है क्या? लगा 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 साइड में, दोस्त मिल गया था भाई हमारा। तो चलो कोई नहीं, फ्लाइट भी आ चुकी है। वैसे 2 बजे की फ्लाइट थी लेकिन 1:40 पे ही आ गई, शायद जल्दी आ गई है। अरे वो यार फाइटर जेट है जा रहा भाई, वो सामने वो जा रहा है। फ्लाइट नहीं आई अभी, फ्लाइट शायद 2 बजे के बाद ही आएगी। तो अभी फिलहाल यहीं साइड में दबा खड़ी करते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, इन सब से करेंगे बात यहाँ खड़े होके। देखते हैं कौन कितनी अर्निंग किए हुए है, किसने कितना माल कमाया हुआ है। तो रोकते हैं और बंद करते हैं। भैया मिल गए हमारे सब्सक्राइबर। तो भैया हमारे मिल गए सब्सक्राइबर भाई साहब, इनकी वीडियो पहले भी आ चुकी है, बहुत अच्छी चली थी। भैया हर महीने का डेली का रिकॉर्ड रखते हैं भाई, महीने भाई महीने का। और भाई साहब इस समय तैयारी कर रहे हैं, काय भाई साहब तैयारी कर रहे हो? आईटीआई इंस्पेक्टर। आईटीआई इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और बीटेक भाई साहब हुए हैं, लेकिन अपनी गाड़ी लेके खुद चला रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में अपना ड्राइवर भाई आईटीआई इंस्पेक्टर, आईटीआई बोलते हैं, आईटीआई का इंस्पेक्टर टीचर, इंस्पेक्टर टीचर बनने वाले हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं भाई। वो भाई जब लोकल में ही चलाते हैं भाई, ओला की आउटर इनकी खुली नहीं है, ऊबर में आती कभी कभी आती, वो तो आप लोग भी जानते होंगे। और ये हैं अपने पाल जी, देख रहे हैं कितने दिन में कितना कमाया। क्यों पाल जी? ये इन्होंने भैया तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। महीने महीने का दिखाओ जरा, जो है किस महीने में कितना हुआ है? जनवरी का, ये जनवरी की टोटल अर्निंग थी 51,747, एक्सपेंस हुआ था 19,739 का, सेविंग हुआ था 32,000 की। समझ लो एक महीने में इतना इन्होंने बचाया, 4,780 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी एक महीने लोकल में, एक महीने लोकल में 32,000 इन्होंने सेविंग करी है। बहुत सही, हर महीने का है भाई ये, देखो जनवरी का है, ये डे भाई है 30 जनवरी का, जनवरी पूरा का ये है, ये समझ लो इन्होंने एक महीने जनवरी 2024 में, जो भी पिछला भी महीना जनवरी बीता है, उसमें इन्होंने 32,000 की सेविंग करी है, सीएनजी हटा के बाकी सारे खर्चे, सारे खर्चे हटा के, सारे खर्चे देखो। और यहाँ पापा को भी दिए तो वो भी हटा के जो है सब, 5,000 एमआई, मोबाइल की एमआई भी लिखी हुई है, कार की एमआई भी, ये क्या है? ये कार की एमआई, कार की एमआई, एमआई 7,000 रुपए जाती, 7,347। अच्छा अभी फरवरी में कितना किया है? चले तो जनवरी हो गया, फरवरी में ये दो राइडें की थी, एक प्राइवेट की थी एक गूगल से की थी।
अच्छा अच्छा 724 रुपए, ये क्या लिखा हुआ है? ये एक्सपेंस है 724, खर्चा खर्चा खर्चा। अच्छा सीएनजी जो है वो इधर है। ये देखिए पेमेंट मोड, कलेक्टिंग अमाउंट, अर्निंग अमाउंट और जो बैलेंस होता नहीं उबर में जो अकाउंट बैलेंस चला जाता है। तो फरवरी में अभी तक अच्छा हमने काम कर रहे हैं। अच्छा 1 फरवरी को काम किया, फिर 4 फरवरी को काम किया, 2-3 अच्छा पढ़ाई की वजह से क्योंकि तैयारी कर रहे हैं तो भाई पढ़ाई भी जरूरी है। और दिसंबर दिसंबर का देखो हर महीने। अच्छा 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 हर बुकिंग का रिकॉर्ड है भाई साहब का, कौन कब जा रहे हैं कब आ रहे हैं सारी डिटेल है। कानपुर में बहुत कम ऐसे ड्राइवर होंगे भाई जो डेली का लेखा जोखा ये रखते हैं कितने का काम किया है। अब आज कल 8 फरवरी थी कि आज है? नहीं आज 8 फरवरी, आज 8 फरवरी, आज 9 है, आज 9 था। अच्छा ये कल का है लेकिन 860 ये 9 आज ही का है लेकिन इसमें 9 लिखना था। कल हमने सोचा काम करेंगे, काम फिर नहीं किया। अच्छा अच्छा वो है 9 फरवरी का लगा था। और भैया की ये गाड़ी है भाई औरा एस मॉडल है, एस एक्स नहीं है, कुल मिला के ये गाड़ी है भाई। आपको दिखा देता ये 1 जनवरी से स्टार्ट का, ये है अक्टूबर 2023 से काम स्टार्ट किया था मैंने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और पूरे 2023 की अर्निंग और सेविंग ये है। मतलब सिर्फ 3 महीने गाड़ी चलाए हैं और 3 महीने में ये समझो दिसंबर महीने की इन्होंने सेविंग करी। नहीं ये नहीं है? ये टोटल है 3 महीने की, अक्टूबर नवम्बर दिसंबर 1,54,000 रुपए। 1,54,000 का मेरा कमाया था, 90,000 रुपए मेरा एक्सपेंस हुआ था। हाँ, खर्चे वगैरह सब एमआई वगैरह सब कुछ निकाल के, सब कुछ निकाल के और 63,000 सूखी सूखी बचत थी। पीएनजी निकाल दी, एमआई निकाल दी और भाई मोबाइल की किस्त वगैरह भी निकालते हैं। 21,000 रुपए पर मंथ की बचत है। अच्छा एमआई वगैरह निकाल के, सब कुछ निकालने के बाद तो भाई देख लो, जो भाई कहते हैं बचत नहीं है, लोकल में ही ज्यादातर भाई साहब चलाते हैं और उबर को ही मैंने अपनी दुकान बंद करते हैं। अच्छा दुकान बंद कर दी? अरे नहीं, फैमिली में कोई तो बैठता होगा भाई, वाइफ की जॉब लग गई ना। अरे वाह भाई वाह, वाइफ की नर्स हो गई, बहुत सही यार। होने वाला है बाल जी, इनसे कुछ सीखो जो हमेशा आउट स्टेशन के चक्कर में रहते हो, काम कुछ कर नहीं पाते हो तो भाई लोकल में ही चला के अच्छा खासा जो है काम कर लेते हैं ये। चलो रख दो आराम से। भैया आ गए अपने पुराने दोस्त के पास में, कुलदीप भाई राम राम हमारी तरफ से, हमारे YouTube चैनल की तरफ से। तो भाई बहुत दिनों भाई बाद भाई से मुलाकात हुई है। वो भाई पहले ओला उबर में ही चलाता था, खुद की गाड़ी थी वैगनार, लेकिन किसी कारणवश छोड़ना पड़ा। कारण क्या था बता बेटा? नौकरी लग गई थी ना, हाँ। वाइफ की नौकरी लग गई थी भाई, तो भाई ने गाड़ी बेच दी थी। अब यहीं पे जो है क्या करते इस समय? कमिश्नर साहब की गाड़ी चलाता है। कमिश्नर साहब की गाड़ी चलाता है, सैलरी क्या है? 17,000। 17,000 रुपए है भाई, महीने में कितने दिन जाते होंगे? लगभग 15 दिन। महीने में 15 दिन जाता है भाई, 17,000 की पेमेंट उठाता है। और ड्यूटी का टाइम? अच्छा ड्यूटी का टाइम कोई नहीं है, कोई नहीं, कभी कभी 24 घंटे भी और कभी कभी 1 घंटे भी नहीं, ऐसा कुछ हिसाब किताब है भाई। और भाई बोल रहा है यार फिर गाड़ी लेंगे आगे चल के कभी भविष्य में, शायद साल दो साल बाद 2025 में। तो कमर्शियल लेने का मन है कि प्राइवेट? कोई भी ले लेंगे, गाड़ी चाहिए है बस। नहीं मतलब अभी अर्निंग के पर्पज से लोगे भविष्य में या फिर सिर्फ शौक करने के लिए लोगे? क्योंकि भाई दो प्रकार की होती गाड़ियाँ, एक गाड़ी तो वो होती है जो आपको शौक करने में दोनों साथ रहेंगे। तो भाई टैक्सी लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको शौक भी करनी है। टैक्सी तो नहीं लेंगे। अच्छा लोगे प्राइवेट और भले उसको प्राइवेट चलवाओ, प्राइवेट चलवाओ चोरी छिपे, चोरी आईटीओ मिल जाएगा बेटा, चालान भी कर देगा। अपनों को लेके जाएंगे ना, अपनों को लेके जाएंगे, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के चल दिए, अपनों को लेके जाएंगे। अभी कितने दिन की छुट्टी मार के आयो? अभी 1.5 महीने से ऊपर हो गया। तो भाई 1.5 महीने की छुट्टी मार गया। अच्छा 1.5 महीने से नहीं आये तो पेमेंट तो मिलती होगी ना, कुछ कम कट के मिले? पूरा मिलेगा पेमेंट, नौकरी छोड़ देंगे। भाई बड़ा यार गजब का आदमी बोला 1.5 महीने पूरा पेमेंट अभी मिला था नहीं। नहीं अब हफ्ते भर रहेंगे इधर, हफ्ते भर बाद मिलेगा। बोला अगर नहीं मिलेगा 1.5 महीने का पेमेंट जो मैंने छुट्टी मारी है तो मैं काम ही नहीं करूंगा, इस तरह का। और इसे जरूरत भी नहीं है, अगर जो देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो अपना इसका देंगे, देंगे पैसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले भी छुट्टी मार चुके हो? हाँ, 15 दिन की लगभग। हाँ 15 दिन की छुट्टी हो जाती, 15 दिन काम ही रहता है इधर। और 15 दिन जब इधर काम रहता है ना तो 15 दिन नौकरी नहीं करनी होती, 15 दिन रहना होता है बस। तो भाई देखो प्राइवेट गाड़ी चला के अच्छे से किसी अच्छी जगह तो भाई अच्छी अर्निंग की जा सकती है। भैया ने इनको बंगला दिया है अपने घर के पास में ही, पीछे बंगला है अपना, आराम से अकेले रहते हैं। और खाने पीने के लिए तो खैर उनके यहाँ भी जाके खा सकते हो या फिर बाहर अपना देखना पड़ता है,
वैसे ज्यादातर तो उन्हीं के यहाँ जाते हो? नहीं, कभी कभी जब मन होता है तो? जब पार्टी करनी होती है तो अपने घर में खाते हैं, नहीं तो उन्हीं के घर में खाते हैं। हाँ, समझ लो हफ्ते में एक दिन मान लो बाहर से खा लेंगे कहीं से भी, और बकाया 5-6 दिन जो है उन्हीं के यहाँ आराम से खाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ कुक वगैरह सब कुछ लगे हुए है ना। हाँ, सब व्यवस्था है। और गाड़ी भाई कोई से भी ऑलराउंडर है बंदा, कोई भी गाड़ी चला लेगा। हालांकि बता दें भाई, गाड़ी हर कोई चला लेगा, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर एक चार पहिए गाड़ी तुम अच्छे से चलानी आती है तो भी आप दूसरी भी चला सकते हो। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आप अगर जो वैगनर चला लेते हो तो डिजायर भी चला लोगे, और डिजायर चला लेते हो तो अर्टिका भी ध्यान देके चलाओगे 2-4-10 किलोमीटर, तो उसको भी अच्छे से चलाने लगोगे, थोड़ा सा हाथ पर कम सेट होंगे लेकिन उसको चला लो। कहीं नहीं मतलब ये, अगर उसे बोला जाए यहाँ से वहां से ले जाओ तो आराम से लेके कोई भी ड्राइवर कोई भी गाड़ी हो, अगर ड्राइवर है ना तो पहले और दूसरे गियर में ना पूरा एक्सीलेटर अगर वो लेके अपना कंट्रोल कर लेता है गाड़ी, तो वो चला लेगा कोई भी गाड़ी एक्स बजट पहला और दूसरा गियर में फुल स्पीड लेके गाड़ी की क्षमता देख ले, कोई भी गाड़ी चला लेगा एक्स बजट कोई भी हो। वरना 700, 300 और होंडा सिटी जो भी हम गाड़ी चलाए हैं वो सब मतलब हाईजेस्ट पिकअप वही है कि जितना उसकी औकात देख लो वो भाग कितना सकती है पहले और दूसरे घर में। उससे पहले लग्जरी गाड़ियां चलाई नहीं थी? नहीं, हम तो वैगनार ही। भैया वैगनार थी भाई के पास, अब बेर बेर राइड आ रही भाई। तो ये बताओ, तुमने ओला भी चलाया और ये प्राइवेट भी चलाया, अब मतलब संतुष्टि किस में, ये बताओ? अपनी गाड़ी रख के ओला उबर में चलाने से या बंगले पे कहीं काम करने, मान लो किसी को 15-20 हज़ार रुपए महीना कमाना है या 10-15 हज़ार रुपए कमाना है? देखो नौकरी होती है, अपना काम होता है। तो भाई दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोगों को नौकरी पसंद है तो उसके लिए नौकरी कर सकता है, कुछ लोगों को अपना काम करना है, बोल रहा ठीक है भाई 17,000 तुझे तनख्वाह है, 17,000 ना बचे अपनी गाड़ी लेके, मैं 15,000 रुपए महीने के बचता रहे। वो अपना काम सबसे अच्छा, एमआई वगैरह निकाल के अगर सूखे 15,000 बचते रहे तो भाई 17,000 की हमें नौकरी नहीं भली है, वो 15,000 ज्यादा बेस्ट रहेंगे। अपना काम अपना होता है, क्योंकि हम जब भी मन आए घर पे आ गए हैं, जो भी करना है नहीं करना है काम नहीं करना है, लेकिन नौकरी अगर सामने वाले ने बोला तो आपको जाना ही पड़ेगा, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो भाई ये डिफरेंस होता है अपने काम में और नौकरी करने में। हम लोग ड्राइवर भाई हैं, कई सारे ड्राइवर हमारे कमेंट करते हैं कि भैया किसी कोई ब्लॉग बनाइए जो किसी बंगले पर गाड़ी चलाता हो, उसकी क्या अर्निंग है, कैसा क्या है। वैसे भाई को 17,000 मिलते हैं, हर किसी को इतना नहीं मिलता है, किसी को 15 मिलता है, किसी को 10 मिलता है, किसी को 12 मिलता है, किसी को 20 भी मिलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से बंगले पे लगे हुए हैं और ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं, लग्जरी गाड़ियां, उनकी 15-20 हज़ार भी तनख्वाह है। सुना है तुमने? नहीं सुना है? हाँ सुना है, 25 है 30 है। नहीं, हमारे कानपुर की बात करूँ। हाँ, कानपुर में 25 और 30 है भाई। कानपुर में भी जो पुराने ड्राइवर हैं बंगले पे लगे हुए हैं, भरोसेमंद है, तो भाई उनका जो मालिक होता है उनको 25-30 हज़ार रुपए महीने भी देता है, लेकिन नॉर्मल ड्राइवर की जो तनख्वाह है वो 10-15 हज़ार के बीच में है ना। ज्यादा 15 तक तो पहुंचोगे नहीं। नहीं नहीं, अगर कोई स्टार्ट करेगा तो 10-15 के बीच में स्टार्टिंग उसकी हो जाएगी। अगर 12-13 समथिंग बस। अगर जो 5-7 साल का एक्सपीरियंस है उसको, तो फिर 10-15 के बीच में उसकी तनख्वाह रहेगी, अपने कानपुर महंगाई के हिसाब से। महंगाई के हिसाब से 10-15 बस। हाँ, 15 तो बहुत हाईजेस्ट हो गया है कानपुर में, अगर नॉर्मल ड्राइवर के लिए बहुत ज्यादा। नॉर्मल का भाई 5 साल कम से कम एक्सपीरियंस है उसको, वो हर तरीके गाड़ी चलाना आता है। दूसरी चीज है कि अगर वो विदाउट जानकारी के ऐसे ड्राइविंग करने कहीं जाएगा ना तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी इतनी। नहीं नहीं, उसके लिए क्या है कि जान पहचान होना जरूरी है। जान पहचान पे आपको पैसा मिल जाएगा। हाँ, अगर गारंटी आपका कोई लेगा, आपके जान पहचान वाला है, किसी बंगले पे आपको रखवाता है, तो उसमें अच्छे पैसा मिलेंगे, क्योंकि मालिक को यकीन रहेगा कि भाई ड्राइवर जान पहचान का है। आप ड्राइवर कुछ उल्टा सीधी बात करता है तो मैं उसको बोल सकता हूँ, दबाव बना सकता हूँ। तो इस तरह का कुछ हिसाब किताब है। बकाया आप लोगों की इच्छा, आप ओला उबर चलाना चाहें या फिर किसी दूसरे बंगले की गाड़ी चलाना चाहें। बंगले की गाड़ी चलाने में एक चीज और है, अगर आप चलाते हो तो सामने वाले का भरोसा जीतो, अगर आपको वास्तव में इनकम करनी है तो। अगर अच्छे पैसे हाँ, लेने हैं उससे तो। जैसे मैं हूँ तो मैं 4-6 हज़ार रुपए मेरा एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है 15 दिन की नौकरी में। वो 17,000 तो तनख्वाह भूल जाओ, तनख्वाह को तो आप छूते नहीं हो क्यों भाई कुलदीप भाई? तनख्वाह तो मिल जाती है जब घर जाते हैं तभी तनख्वाह देता है, उधर तो तनख्वाह की हमें जरूरत ही नहीं है। 500 लेके आएंगे और 5,000 मालिक के ऊपर कर्जा कर देंगे। तो कुल मिला के भाई अच्छे से नौकरी करनी पड़ेगी और उसका भरोसा जीतना पड़ेगा, तब आपको अच्छी सैलरी, और वो भी अपने घर की तरह तुम्हें ट्रीट करेगा, ड्राइवर नहीं समझेगा, वही नहीं अपने के बीच का ही समझेगा। आए दिन पंचर बनवा रहे हो, आए दिन तेल कम डलवा रहे हो, ये सारी चीजें नहीं होती। तो भैया दोनों हाथ से ताली बजती है, अगर आप गलत उसको परेशान करोगे मालिक को
तो वो फिर आपको ड्राइवर ही समझेगा, ड्राइवर की तरह तनख्वाह देगा और बर्ताव भी ड्राइवर की तरह करेगा। आप उसे अपना समझोगे तो वो भी आपको अपने की तरह ही ट्रीट करेगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई कि गाड़ी अपनी चलानी है या फिर किसी बंगले पे या किसी दूसरी जगह पे चलानी है, ट्रेवल्स वगैरह कहीं भी। तो भाई आशा और उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग आप लोगों को सही लगेगा भाई। अगर जो सही लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार भैया, बाय बाय।